क्वेश्चन नंबर फोर, द वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द सर्किट डायग्राम एज शोन इन फिगर. द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड एंड रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ए वी इज आर. लोड इज कनेक्टेड टू द मिडल ऑफ पोटेंशियोमीटर. इफ रेजिस्टेंस ऑफ लोड इज डबल देन पोटेंशियल अक्रॉस लोड विल बी. ओके, तो ये रेजिस्टेंस सेम है और इनिशियल कंडीशन में ये मिडिल पॉइंट से कनेक्टेड है. तो ये रेजिस्टेंस आर बाई टू है, ये भी रेजिस्टेंस आर बाई टू है. तो ये आर प्लस आर बाई टू हो गया आर बाय थ्री. तो यहाँ पर पोटेंशियल इनिशियल आएगा, इनिशियल पोटेंशियल इक्वल्स टू आर बाय थ्री डिवाइडेड बाय आर बाय थ्री प्लस आर बाय टू इंटू टोटल पोटेंशियल. तो ये हो जाएगा सॉल्व करके आर बाय थ्री डिवाइडेड बाय फाइव आर बाय सिक्स इंटू ई. तो ये टू ई बाय फाइव पहले ये होगा. इसके बाद फाइनल केस में हमने क्या किया, आर को लोड को डबल कर दिया है, लोड को डबल कर दिया है. तो ये 2R हो गया, 2R और R बाई टू फिर पैरेलल में आ जाएंगे. तो 2R और R बाई टू का हम पैरेलल में सॉल्व करेंगे. तो ये 2R इंटू R बाई टू, 2R प्लस R बाई टू. तो ये हो गया R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5R बाय टू. तो ये 2R बाय फाइव, 2R बाय फाइव और इधर है R बाय टू. तो पोटेंशियल 2R बाय फाइव पर यानी फाइनल पोटेंशियल आएगा 2R by 5 divided by 2R by 5 plus R by 2 into total potential E. तो यहाँ से ही हो गया 2R by 5 divided by ये LCM इसका हो गया 10 और ये 4R plus 5R, 4R plus 5R. ठीक है, तो यहाँ से ये 5 से 10 कट गया दो बार, ये आ गया 4R into E चली रहा है इंटू ई डिवाइडेड बाई नाइन आर. तो ये हो गया 4/9E इक्वेशन नंबर टू. तो पहले 2/5E था, बाद में 4/9E हो गया. तो कितने टाइम्स ये यहाँ से चेंज हो गया ये हमें बताना है. तो दोनों का डिवाइड कर देंगे. तो ये 4/9 डिवाइड बाई 2/5, तो 4/9 डिवाइड बाई 2/5 हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 18, 20 डिवाइडेड बाय 18 यानी 10/9. बी ऑप्शन करेक्ट.